असि पुराने कांग्रेसी हाँ। ये अपने आप फूक हुए पिता जी का 1963 जो प्रधानमंत्री जवाहर लाल जी आए सी, सोने से तोलिया सी, शुरू से कांग्रेस रहे हैं। पर कांग्रेस पार्टी साड़ा बहुत नुकसान कर रहा है, इस वास के हार के पार्टी छोड़ी सी। अब इमामदीन भाटी जी हैं, सुमन चावला जी हैं, जैसे वो बीजेपी में चले गए, इमामदीन जी भाटी जी कह रहे हैं कि जो सामने हमारी आज तक सुनवाई नहीं की, वो भी अब मान्यता फर्म भरा उसकी नहीं, मान्यता इस समय को नहीं, अभी कौन सी सुनाई देगी। हम तो जो है कोई भी है वो तो इमामदीन भाटी तो हमारा भाई है। चुनाव लड़ेंगे, आज पर्चा दाखिल कराया है, और कांग्रेस पार्टी एक हनुमानगढ़ के अंदर सिर्फ 5-6 आदमियों की पार्टी बन के रह गई है। इस तरह कांग्रेस ने छोड़न ते मन ते नहीं करता सी, बहुत पुराने कांग्रेसी सा, लेकिन छोड़ना पड़ा। हमारे को किसी मुसलमान को ना तो को प्रधान बनाया, ना उप प्रधान बनाया, ना कोई नियुक्तियां दित्तियां ने, और हमारे जो कब्रस्तान की अरबर भी की जगह सी उस पे पार्क कट दिया, वक्फ बोर्ड की जगह सी, हालांकि कट नहीं सकता। और कांग्रेस पार्टी ने हमारे को कुछ देने की बजाय हमारा 40,000 वोट है और हमारा नुकसान कराया है, जो हमारी वक्फ बोर्ड की जगह पड़ी थी कोई पार्क कट दिए और कर दिया। इस वजह से फिर और तो कुछ चारा नहीं, हमने अपना फिर फैसला कराया भी खुद चुनाव लड़ेंगे। जिसको हम नहीं जानते, जो हमें नहीं जानता उसकी भी हमने सुनाई करने का प्रयास किया है। कई दफ़े मन में कुछ गलतफहमियां हो जाती हैं, मेरे मन में तो कोई नहीं, हमारे सारे भाई हैं, सभी चुनाव लड़े और जिसको जनता चाहिए वो बन जाएगा। तो इन गलतफहमियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। हाँ, दूर गलतफहमियों को दूर करने का, जब तक हम मिले नहीं वो गलतफहमियां, अमूमन क्या है 99% लोगों के जो मतभेद होते हैं वो गलतफहमियों की वजह से होते हैं, क्योंकि वो खुद मिलते नहीं और जो तीसरा आदमी होता है उनको कुछ कह देता है, दूसरे को कुछ कह देता है। तो ये है मेरे ख्याल में, मेरे से क्यों नाराज होगा कोई। मैं तो गया कि जो ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान करने का कोशिश करता हूँ, उनका काम करने का प्रयास करता हूँ, और जितना मैं टाइम देता हूँ मेरे ख्याल में कोई नहीं देता। पहली घंटी मैं टेलीफोन उठाता हूँ। धन्यवाद।